अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लीमा और नुसरत, वो बाकी को भी कह दें कि वो ज्वाइन कर लें ताकि फिर मैं स्टार्ट करूं। जी ठीक है सर। बस मैंने तो कर लिया और बाकी कोई ना समी वगैरह है। लास्ट टाइम मैंने बड़ा क्लियर कहा था लेकिन बस वो पता नहीं स्टूडेंट को क्यों नहीं समझ चीज एक आसान सी चीज है। जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी ना तब होगा हार्डवेयर का। नहीं वो बस एक्सक्यूज तो जिस तरह की मर्जी लगा लें। सॉरी सर, बिल्कुल भी एक्सक्यूज की बात नहीं। मुझे थर्स जा रहे हैं, आप कहते हैं तो कल आ जाते हैं। जो लैब हार्डवेयर पे मतलब करने का माइंड था उसको समझने वाली होती है, वो खुद से महसूस करते हैं, हर चीज गाइड नहीं की जाती। तो इसमें लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैंने एक सॉफ्टवेयर पे एक अच्छा पोर्शन आप लोगों का कवर कर दिया था, चीजों की नियत को भी थोड़ा देखते होते हैं उसमें। ओके जी, हमारे पास एट द मोमेंट यहाँ पे ये है, स्टडी द बिहेवियर ऑफ थर्मल सेंसर ना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तीन डिफरेंट चीजें हैं जिसको हमने सेंसर के सेंस में देखना है। एक हमारे पास थर्मोकपल है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास और नेक्स्ट में हमारे पास हमारा थर्मिस्टर होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास थर्मिस्टर। अच्छा, अब इसमें जो थर्मोकपल है उसमें हम टेम्परेचर को वेरी कर रहे होते हैं और उसमें हम मिली वोल्ट्स की सेंस में देख रहे होते हैं कि हमारे पास क्या फर्क पड़ा ना। हमारे पास थर्मोकपल की सेंस में हम क्या करते हैं कि हम इसमें मिली वोल्ट्स देख रहे होते हैं कि टेम्परेचर को जब उस पर फर्क डालेंगे तो हमारे पास वोल्टेजेस के ऊपर डिफरेंस आ रहा होता है। इसी तरह जो आरटीडी है, ठीक है, ये हमारे पास ठीक है ये हमारे पास रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है। इसके अंदर भी हम टेम्परेचर को जब वेरी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो वेरी होती है। अब जब रेजिस्टेंस वेरी हो रही है तो उसमें ये चीज़ सामने लेट से टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी या टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम होगी या रिलेशन किस तरह का होगा, तो इनका टेम्परेचर हम इसको कोफिशेंट कहते हैं, पीटीसी। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ठीक है, ये रिलेशन होता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर को अगर वेरी करते हैं तो रेजिस्टेंस भी वेरी करती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जब वेरी कर रही होगी तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी या कम होगी। तो ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो कम होगी, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रही हो तो इसको हम कहते हैं
एनटीसी, ठीक है, जो कि अभी हम नेक्स्ट में करते हैं। तो तीसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास है एनटीसी, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और जिसके अंदर हमने थर्मिस्टर जो है, ठीक है, उसको लिया हुआ। अब थर्मिस्टर के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो क्या है, वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है, और ये उसी टाइप के इसके कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज में यूटिलाइज भी कर रहे थे। तो ये हमने बेसिकली चीज़ें करनी हैं, और ये सारे के सारे टेम्परेचर सेंसर्स हैं, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट होगा। अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, अब थर्मो जो कपल है वो होता किस टाइप का है कि उसको हम एक साइड से हीटिंग जो उसके एलिमेंट है उससे हीट प्रोवाइड करते हैं, और ये दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं, डिससिमिलर मेटल हैं, आपस में मुख्तलिफ हैं। तो जब हीटिंग एलिमेंट देते हैं तो हमें यहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे थे, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टेम्परेचर वर्सेस, जो मैंने बात आपको बताई हुई है कि इसमें टेम्परेचर वर्सेस मिली वोल्ट वाली जो बात बताई कि इसको यहाँ पे वोल्टेजेस, और ये आलमोस्ट 40 डिग्री के बाद जो यहाँ पर हम यूज़ करें, जो हमारे पास थर्मोबॉक्सेस हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस के बाद मिली वोल्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज़ देते हैं। तो हम इसको 40 से डिफरेंट वैल्यू 80 तक ले जाएं या 100 तक ले जाएं, तो उसके ऊपर हम देखेंगे कि वो पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ के ऊपर फ़र्क पड़ रहा होता है, ठीक है। सो कुछ स्टूडेंट्स ने रीडिंग ली हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी, और उन टाइप्स के ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर की रेंजेस हमारे पास गिवन है। अब इसमें जो बिहेवियर का के RTD जो है, जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, उसका बिहेवियर देख रहे हैं, इट फील्स लाइक के लीनियर बिहेवियर है, ठीक है, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं आपको रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंगली वेरी होती नज़र आ रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है अगर रेजिस्टेंस बढ़, ठीक है। और ये आपके पास थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर का बिहेवियर जो है वो एनटीसी टाइप है, ठीक है, दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल चेंज होगी, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। और ये आपके पास टी है, टीसी है, थर्मोकपल, थर्मोकपल में क्या है कि टेम्परेचर को जैसे जैसे चेंज करें आपके पास वोल्टेजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस पे आपने या रेजिस्टेंस लिए या वोल्टेजेस लिए, तो इनका जो चेंज है ये वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट है इसके अंदर, ठीक है, ग्राफ उस तरह लीनियर नहीं है जैसे RTD का। तो ये बेसिकली इनका कंपेरिजन है कि किस तरह से थर्मोकपल जो है वो टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो मिली वोल्ट्स के अंदर वोल्टेज पे फ़र्क पड़ रहा है, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर RTD के अंदर टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, लीनियर रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, कम हो रहा है तो कम हो रही। और थर्मिस्टर जो है उसका एनटीसी बिहेवियर है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, ठीक है। और ये इनका एक व्यू है, एक तो अब ये जो हमारे पास थर्मोबॉक्स है इसमें अभी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये हमारे पास थर्मो कपल जो है वो एक साइड पे हमने टेम्परेचर को मेजर कर लेना है, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमने वोल्ट मीटर के ऊपर मिली वोल्ट्स के अंदर, ठीक है, मिली वोल्ट्स के अंदर वोल्टेजेस को मेजर कर लेना, ठीक है। अब उसमें एक RTD का पॉइंट बना हुआ है, इसके ऊपर RTD की हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगी, ये NTC का पॉइंट बना हुआ है,
अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपको नॉब्स की प्लस माइनस की पोलैरिटी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आप ओम्स के अंदर इनको कैलकुलेट करें, ठीक है। और ये मिली वोल्ट वाला जो है उसके अंदर, इसमें रेड फॉर द पॉजिटिव है और सेकंड वायर को आप नेगेटिव पे लगा देंगे, ठीक है। सो इस तरह बैक एंड पे इसी यही जो बॉक्स होगा उसके बैक एंड पे आपके पास सप्लाई वोल्टेजेस हैं, उसको आप सप्लाई दे देंगे, ठीक है, 12 वोल्ट DC, ताकि उसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है वो हीट प्रोवाइड करना जो है वो स्टार्ट कर दें। और इसी तरह ये आपके पास टेबल है बेसिकली जो आपने फिल करना है कि टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर पे थर्मोकपल के सेंस में देखना है कि क्या मिली वोल्ट्स आ रहे हैं, और इसी तरह टेम्परेचर है और RTD के सेंस में देखना है कि क्या रेजिस्टेंस आ रही है, और इसी तरह वही टेम्परेचर और उस पर देखना है कि NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट के केस में क्या आपके पास रेजिस्टेंस आ रही है। ये थर्मिस्टर है बेसिकली आपके पास, ठीक है। तो इसमें कोई इशू वगैरह के कहाँ से हमने रीडिंग्स वगैरह लेनी है, इसकी एक वीडियो जो है वो भी शेयर कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आएंगे तो आपने फिर इसको परफॉर्म करना है। एक ये थर्मोकपल, एक दो थर्मोकपल, अच्छा इसमें मेरे ख्याल से अब आपको ये वो थर्मो बॉक्स एक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये वो दो पिन्स लगी हुई हमारे पास NTC की ना, ठीक है। इसके ऊपर जो हमारे पास NTC है, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफी एंड थर्मिस्टर, उसकी हम रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। तो इसमें नॉब्स वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप रेजिस्टेंस मेजर करें, और ये आपके पास RTD की है, ठीक है, ये जो दो पॉइंट्स हैं RTD के लिए, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के लिए, और इसको भी आप ओम्स के अंदर जो है वो मेजर कर लेंगे। अगेन यहाँ पे नॉब्स वगैरह का इशू नहीं है, और ये जो दो पॉइंट्स हैं इसके, ये जिस साइड से मैंने पकड़ा हुआ ये वाली जो एक नॉब है, ये आप इसको टेम्परेचर मीटर के साथ लगा देंगे, ठीक है, मल्टीमीटर के ऊपर। और ये जो आपके पास एक दूसरी साइड है उसको आप मिली वोल्ट्स जो है उनको चेक करने के लिए, और इनके ऊपर ये दो डिफरेंट कलर्स हैं, एक रेड में और एक दूसरा कलर, तो रेड को आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। ये बस थर्मोकपल के अंदर पोलैरिटी का इशू होगा, ठीक है, क्योंकि हम वोल्टेजेस को ले रहे हैं, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव को प्रॉपर कनेक्ट करें, तो रेड फॉर द पॉजिटिव और सेकेंड जो कलर होगा वो आपके पास नेगेटिव के लिए, ठीक है। सो बाकी आपको RTD NTC के लिए कोई करने की इशू नहीं, और ये बैक साइड पे ये सप्लाई वोल्टेजेस हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, 12 वोल्ट, ताकि इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है वो काम करना शुरू कर दे। इस पे रीडिंग्स डिफरेंट ली हुई हैं, वो मैंने स्टूडेंट्स को कहा, इन्होंने एक वीडियो बनाई है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इसमें कोई इशू वगैरह या मैनुअल की फिलिंग या कोई और तो वो बता दें। नो सर, सब समझ आ गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से हमने करना है। फिर इसी तरह एक थोड़ी सी लैब जो हमने थर्मिस्टर के ऊपर भी परफॉर्म की है, ठीक है, कि थर्मिस्टर के ऊपर वैल्यूज हमने किस तरह से लेनी, क्योंकि एक हमारा टेबल रहता था 4.3 वाला ना, ठीक है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में यस सर वो रहता है।
वो यहाँ पे लैब नंबर मैनुअल के अंदर कौन सी है ये जो मैंने आपको दिया हुआ है, 8 या 9 वगैरह शायद? 8 है सर। ठीक है, सो अब आपके सामने स्क्रीन पे सर्किट डायग्राम आ रही होगी ना उसकी। आरटी की ना आ रही है थर्मिस्टर वाली? सर अभी नहीं आ रही। अच्छा, पहले मैनुअल शेयर हो रहा था पहले जब मैं गाइड कर रहा था? जी सर पहले हो रहा था। ठीक, ओके। तो ये अब आपके सामने आ गया। हाँ, हमने इसमें क्या करना है बेसिकली के आर टी को लेट से हमने कैलकुलेट करना है ना, तो ये हम इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे हम थर्मिस्टर लगाएंगे और लैब का कोई ना कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें कोई ना कोई वो रेजिस्टेंस दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल लैब में आते हैं 20 टेम्परेचर है या 30 है, या लेट से नहीं है हीटर वगैरह ऑन तो 20s के करीब होगा या लेस देन 20। सो कोई ना कोई रेजिस्टेंस इसके ऊपर आपके पास आ रही होगी। अभी हमने लैब में देखा था तो हमारी 85 पॉइंट समथिंग आ रही थी रेजिस्टेंस लैब के अंदर, ठीक है, सर्किट वगैरह में उसको नहीं लगाया हुआ था। तो जैसे इंस्ट्रक्शन है वैसे आप लगा देंगे। ये जो इक्वेशन 5 है उसको यूज करके आर टी निकालना। आर वन का हमें पता होता है, आर टू का भी हमें पता होता है क्योंकि हम खुद से लगा रहे हैं। ये ई है, ई वो सप्लाई है जो कि आपको इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ कि इतनी वोल्टेजेस उसको प्रोवाइड करें। ई जो है दैट इज फॉर द एनर्जी, ये वो वोल्टेजेस हैं जो कि आप बैटरी को दे रहे हैं, ठीक है, बैटरी कनेक्ट करके जो आप सर्किट को दे रहे हैं। डी वी जो है वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप थर्मिस्टर लगाएंगे तो कोई ना कोई लैब का टेम्परेचर होगा, उस लैब पे उस टेम्परेचर पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी और उसकी वजह से कोई ना कोई डी वी आ रहा होगा, ठीक है। सो ये वो वाला डी वी है, ठीक है। सो इसको आपने, ठीक है, और हो सकता है आपके पास नहीं आ रहा तो उसी तरह ही नेगेटिव में वैल्यू लेके आप उसको यूज़ करेंगे तो आपके पास एक आर टी आ जाएगा। अब इस आर टी के साथ हमने क्या करना है कि हमने टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे 7। अब इस इक्वेशन के अंदर बीटा है, ठीक है, जो बीटा हम लैब में यानी कि जो यूज करें थर्मिस्टर वो मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंगली जो बीटा है दैट इज 4200। और आर टी जो है वो अभी आपने इक्वेशन नंबर 5 से निकाली है, और जो टी नॉट है वो आपके पास रेफरेंस टेम्परेचर है 25, ठीक है, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में है, आपने इसको केल्विन में लेना है। तो 273 जब ऐड करेंगे, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन केल्विन में, 273 जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो दैट विल बी 298 केल्विन, ठीक है। और फिर आर नॉट उस 25 डिग्री के ऊपर जो आपके पास आर नॉट है, टी नॉट के ऊपर जो आर नॉट है तो वो 25 डिग्री के लिए 50, ठीक है, किलो ओम होती। सो उसको टी नॉट रेफरेंस के ऊपर 298 केल्विन के ऊपर आर नॉट कितनी 50 किलो ओम, ठीक है। सो ये और इसके ऊपर आपके पास जो टी आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो केल्विन के अंदर आएगा इस इक्वेशन का, ठीक है, ये आपके पास केल्विन के अंदर आएगा क्योंकि आपने टी नॉट भी केल्विन के अंदर दिया तो केल्विन के अंदर आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। इस इक्वेशन में 5 और 7 में तो कोई इशू नहीं है कि कौन सी वैल्यू कहां पे आई है? नो सर। ठीक है, तो अब बेसिकली ये क्यों इस तरह मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये टेबल है जो थर्ड जो इनकम्प्लीट था, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जब मैंने थर्मिस्टर को सर्किट में लगाया तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर कोई भी वो हो सकता है और उसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस हो सकती है और रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, थर्मिस्टर की आर एक्स तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 के थ्रू मैंने इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये जो भी मैं ऊपर आपको दिखा रहा था, ठीक है, आर टी की वैल्यू जो है वो आप
आपने लिख दी इक्वेशन नंबर 5। वो जब आर्टिक वैल्यू आ जाएगी फिर टेम्परेचर वाली जो मैंने इक्वेशन नंबर आपको 7 दिखाई थी, ठीक है, उससे आप टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यूं लेट से इस मैं लैब के ही डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, या वैसे मैं थर्मिस्टर को अगर रब कर दूं उसका टेम्परेचर चेंज कर दूं, या उसे डिफरेंट किसी पोजीशन पे लेके जाऊं वहां पे टेम्परेचर का फर्क होगा, तो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर मेरे पास कोई ना कोई डिफरेंट रेजिस्टेंस आ रही होगी और कोई ना कोई डिफरेंट डी वी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने इसको जो है वो फिलअप करना। ठीक है, ये वो रिमेनिंग पोर्शन था। ठीक है जी, तो सर्किट में प्रॉपर लगाएंगे और जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह उसके अकॉर्डिंगली डी वी कैलकुलेट कर लेंगे उस पॉइंट के ऊपर, और डी वी के बाद आर टी कैलकुलेट करेंगे जिसको यहाँ पे टेबल के अंदर थर्मिस्टर आर एक्स का आ गया इक्वेशन 5 के थ्रू, और फिर टेम्परेचर। और इसकी एक कंडीशन है कि आपने जो रेजिस्टेंसेज हैं उनको लेट्स से सेम रखना है, तो हम 5 किलो, ठीक है, आर वन आर टू आर थ्री को जो है वो 5 किलो ओम, 50 किलो नहीं 5, 5 किलो ओम जो है वो आप रख के तो आप अपने सारे सर्किट को जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो एक जो पीछे सेंसर वाली लैब का बताया उसकी वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जब नेक्स्ट लैब में आएंगे तो एक तो टाइम से आना है, जो आज नहीं आए तो आके उसको टाइमली पहले परफॉर्म कर लेना, वो हार्डली कोई 5-10-15 मिनट का जस्ट है वो, तो आप उसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, ओके सर जी, ठीक है सर। हाँ, तो ये इसमें है, बाकी वो वीडियो फिर एक शेयर कर देंगे आपके साथ जिसमें ये थर्मो बॉक्स के ऊपर वैल्यूज लगा के और रीडिंग्स वगैरह ली हुई। ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं और ये कुछ हमने किया। ठीक है जी, फिर सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू जी, ठीक है सर, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।